हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2019 का वैकेंसी अपडेट देने आया हूं, जो कि वैकेंसीज अपडेट हुई हैं आपकी सीजीएल 2019 के लिए। तो देखते हैं क्या कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितना क्या वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं एक्चुअली में। तो ये आपकी पीडीएफ है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसमें आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैकेंसीज क्लियरली शो हो रही हैं, जिसमें आपकी 8539 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दिख रही हैं। 8539 जो कि पहले वैकेंसीज जो थी वो 8582 थी। पहले जो वैकेंसीज थी 8582 थी, तो करीब 40-50 वैकेंसीज आपकी 40 वैकेंसीज के आसपास डिक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर कैक की 500 वैकेंसीज हैं एज इट इज़, डीओपीटी में इतनी वैकेंसीज हैं, सीएसएस में आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की 6 वैकेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 27, एएफएचक्यू में 81 वैकेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9, और इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 13 वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा सीबीडीटी में 208 वैकेंसीज हैं, सीबीआईसी में 2157 वैकेंसीज हैं, और ये आपके इंस्पेक्टर की हैं और प्रिवेंटिव ऑफिसर की 201 वैकेंसीज हैं, एग्जामिनर की 123 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में 70 वैकेंसीज हैं, सब इंस्पेक्टर की 57 वैकेंसीज हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट की 47 वैकेंसीज हैं आपकी, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए है। इसके अलावा सीबीएन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में इसकी जो वैकेंसीज हैं 31 हैं इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा असिस्टेंट इन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, इसमें 17 वैकेंसीज हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपकी असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 16। इसके अलावा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में डिविजनल अकाउंटेंट की 400 वैकेंसीज हैं, डीए की इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं 2019 में, और इसके अलावा जीएसओ की 265 वैकेंसीज हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की 840 वैकेंसीज हैं, सीजीडीए में आपकी ऑडिटर की 509 वैकेंसीज हैं, अकाउंटेंट की वैकेंसीज सीजीए में 769 हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की आपकी टोटल 99 वैकेंसीज हैं, सीबीडीटी में आपकी टोटल 1456 वैकेंसीज हैं, और सीबीआईसी में 429 वैकेंसीज हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में 32। तो इस तरीके से टोटल 8539 वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसीज कम हुई हैं। वैकेंसीज कम क्यों हुई हैं इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके ब्रेकअप दिया गया है किस तरीके से वैकेंसीज हैं। तो ये आपकी 2019 की वैकेंसीज का अपडेट है। इसके दो थोड़े दिन पहले अभी हमने आपके सीजीएल 2020 के वैकेंसीज का अपडेट हमने देखा ही था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि टोटल सीजीएल 2020 में आपकी 7035 वैकेंसीज हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी, 7035 वैकेंसीज आपकी सीजीएल 2020 में हैं, और करीब 8500 वैकेंसीज जो हैं आपकी यहाँ पर हो जाती हैं, 8539 यानी कि करीब 8539 वैकेंसीज हमारी सीजीएल 2019 में हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो बना के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कि कितना सच है कि वैकेंसीज हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं और कितनी क्या रेट से डिक्रीज़ हो रही हैं, इस सब पे हम बात करेंगे एक किसी अलग वीडियो में। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये वैकेंसीज कम क्यों होती हैं और ये बढ़ती क्यों। देखिए एसएससी का काम क्या होता है, वैकेंसीज कलेक्ट करना और रिक्रूटमेंट करना। तो अलग अलग जैसे सीबीडीटी है आपका, सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट एसएससी को भेजते रहते हैं, जिसके थ्रू आपकी एसएससी वैकेंसीज अपडेट करता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जब तक आपका एग्जाम प्रोसेस चल रहा होता है तब तक के साथ साथ ये प्रोसेस भी चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसीज आपकी अभी घट सकती हैं, घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि आगे वैकेंसीज आगे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लगता है कि वैकेंसी हमें नहीं चाहिए हमें, तो वो डिक्रीज कर देता है, और अगर उसको लगता है कि हमें और वैकेंसीज चाहिए तो वो वैकेंसीज बढ़ भी जाती हैं। तो इसी वजह से ये घटने बढ़ने का खेल चलता रहता है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। आप ये मान के चलिए कि अभी 8500 वैकेंसीज हैं, और बाय द टाइम ये जो आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो करीब 9000 के आसपास वैकेंसीज बन जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सीजीएल 2019 की वैकेंसीज। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ आपको एग्जामिनर्स फेवरेट वोकैबुलरी आपको अगर पढ़ना है तो डेली 1 बजे मेरी अनअकैडमी पर मंडे से क्लास होने वाली है, और ये क्लास पूरी तरीके से फ्री होगी। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो आप AMANT इस अनलॉक कोड को इस्तेमाल करिए और उसके बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डेली फ्री CHSL प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन होता है, डेली 5 बजे इसकी क्लास हो रही है, ये क्लास आपकी बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए भी अनलॉक कोड AMANT है। इन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे CET ब्रह्मास्त्र बैच है, AMSSC CGL बैच है,
आपका फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच CPO के लिए है, SSC CHSL के लिए बैच है, एड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बैच है, और आपका इसके अलावा SSC Combat हो रहा है अनअकैडमी पर 7 मार्च को 12 बजे। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये रेफरल कोड आप यूज़ कर लीजिएगा AMANT, जिससे आप उसमें एनरोल कर पाएंगे और इसके बाद आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपीज़ का है, जो कि डिस्काउंट के बाद आपको 5850 का मिल जाता है। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। कल के एक वीडियो में मैंने CHSL की स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा डेली सुबह 9 बजे 9:15 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।